अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट आज तो आपको लाजवाब किस्म के नज़र आ रहे होंगे। आपने कहना है कि कुक विद आयशा इतनी मुश्किल रेसिपी ले आई है, इतनी मुश्किल नहीं है। अभी हाफ कुक मैंने कोफ्ते बना चुकी हूँ, बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी। बिरयानी आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की खाई होंगी, जो मैं आगे भी आपको, सबसे पहली मेरी रेसिपी जो चैनल पर थी वो बिरयानी की ही थी। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल सब लोग बिरयानी डिफरेंट स्टाइल से खाना पसंद करते हैं, मैं और भी आपको स्टाइल सिखाऊंगी बिरयानी की। बहुत सी वैरायटीज़ हैं, जिसमें से एक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कोफ्ता बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए चावल ही हमने 4 गिलास, जिसको हमने ये देखें एक कनी रख के उबाल दिया, ये देखें खड़े खड़े। प्याज चाहिए होंगे हमें 2 बड़े साइज़ के, अगर छोटे हैं तो आप 3 ले लें। टमाटर चाहिए होंगे हमें 6 अदद कटे हुए। दही चाहिए होगी हमें तकरीबन 1 प्याली। 1 कप चाहिए होगा हमें घी। पानी चाहिए होगा हमें हंसके ज़रूरत। हमें ऊपर जब हम गार्निशिंग करेंगे इसकी, जब हम इसके स्टेप बनाएंगे, तब हमें चाहिए होगा हरा धनिया, पुदीना एंड हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़रदा कलर। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो हम मसाले में यूज़ करेंगे। हमने लिए कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक लिया हमने 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च ली हमने 1 टेबल स्पून, हल्दी ली हमने 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक लिया फुल भर के हमने 1.5 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला हमने लिया जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है तकरीबन होगा 1/2 टीस्पून, और 15 अदद इसके हैं काली मिर्च के दाने, और ये हमने स्टिक्स लिए हैं, और 3-4 लौंग हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमने पिसा हुआ जैफल लिया है। जावित्री मेरे पास नहीं थी, अगर हो तो आप वो भी हाफ से भी 1 चुटकी 2 चुटकी डाल लें स्मेल के लिए। और हमने लिया सूखा धनिया। और कोफ्ते जो हैं मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपको मैं दूंगी। अब मेरे पास टाइम इतना नहीं था, फास्ट हम बना रहे हैं ज़रा टाइम। और एक मेरे इन्ग्रीडियंट इसमें काम है, आलू हमने लिए, जैसे आप आलू शोरबा बनाते हैं ना उस साइज़ के आपने आलू काट लेने हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद ले लें। अगर खड़े हैं तो 3 ले लें, छोटे हैं दरमियाने साइज़ के तो 6 अदद आलू ले लें। उसको आपने आलू गोश्त जैसा बनाते हैं हम घरों में, वैसे आपने एक आलू के 4 ही टुकड़े काट लेने हैं। उसको आपने पानी में डाल के 1/2 टीस्पून यही ज़रदा कलर और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून नमक डाल के उबाइल कर लें। वो मैंने दूसरे किचन में हो रहे हैं, वो होते हैं तो फिर मैं आपको ड्यूरिंग रेसिपी दिखाऊंगी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चीज़ें आपकी रेडी हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, काम आपका क्विक होगा। और इसको घी में बनाएं तो ज़्यादा मज़े की बनेगी, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बिरयानी पुलाव जो होते हैं वो घी में बने तो ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें गर्म मसाला, इसको ज़रा हम थोड़ा सा चंद सेकेंड इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, जैसे कहते हैं ना कड़कड़ाना, ताकि इसकी जो स्मेल है वो हमारे ऑयल में घी में सबसे पहले इसकी अरोमे जो हैं वो घी में जाएं, फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। घी मेरा ऑलरेडी गर्म था, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को हमने करना है तकरीबन ब्राउन कलर, ज़्यादा ब्राउन नहीं, पुलाव जैसा ब्राउन नहीं करना हमने। प्याज हमारा हो रहे थे नाप से मिलती है, ये देख प्याज हमने लाइट ब्राउन कलर वो हो गया। अब हमने ऐड कर दिया इसमें लहसुन अदरक, मसाले हमारे सारे जाएंगे, सूखा धनिया, जायफल, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक। नमक हम बाद में टेस्ट करेंगे, अगर मुझे लगा कम है तो फिर मैं और ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर एंड हल्दी, और ये टमाटर, सब मसाले हमारे जो है ना इकट्ठे ही डलेंगे वो, एंड योगर्ट जो मैंने आपको 1 प्याली दही बताई थी वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो ये ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो रही है। इधर मैं आपको आलू दिखाती हूँ, आलू हमारे जो मैंने आपको बताया था कि हमने ज़रदा कलर और नमक डाल के बॉयल किए हैं, ये देखें इस तरह के आलू गोश्त हम बनाते हैं ना। ये आलू मेरे छोटे साइज़ के थे, अगर आपके बड़े साइज़ के हैं तो आप अपने हिसाब से कर लें। ये मेरे 6 आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के,
ये मसाला में हमारा हो रहा है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे कवर करके, ताकि टमाटर, दही और जो प्याज वगैरह है वो अच्छी तरह से दानेदार हो जाए मसाला हमारा। बन ये लो से मीडियम पे, थोड़ा बिल्कुल लो पे नहीं। ये टाइम जो है मैंने आपको बताया था उससे कम टाइम में ही हम आ गए हैं। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट कवर किया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कोफ्ते। कोफ्ते हमने फ्राई करके बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर आप ताज़ा बना रहे हैं तो आप कोफ्ते डालने से पहले इसको एक दफ़ा फ्राई कर लें। अब मैं इसको डाल के उसको अब मैं फिर से 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि जो बाकी कोफ्तों के साथ हमारे मसाले का टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हो। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा भुन गया है। अब इस कंडीशन में हम इसके लेयर लगाने तैयार करते हैं। अब मैं सालन, जिसकी जो ये ग्रेवी है, इसको मैं निकालूंगी किसी अलग बॉल में, फिर इसी में हम इसकी लेयर लगाएंगे। मसाला मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी, सिर्फ मसाला, कोफ्ते नहीं। कोफ्ते हम ऊपर वाले लेयर में डालेंगे। मसाला थोड़ा सा डाल के अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चावल। ये इसलिए डाल रही हूँ कि जो हमारा नीचे से जो हमारी फर्स्ट लेयर होगी उसको हीट लगेगी, तो वो फौरन हमारे डायरेक्ट चावल जलेंगे नहीं। ये हमने डाल दिए, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चावल। हाथ मैंने धुले में, एक लेयर हम चावलों की लगा रहे हैं। आई थिंक सो इतने काफ़ी हैं। आधे चावल मैंने अब डाल दिए, आधे चावल हम बाद में दूसरी लेयर में डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी। इसको मैं सीधा कर लूँ, लेवल कर लें आप प्लीज़। ये देखिए, ये एक कप आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, भूल जाएंगे आप सारा कुछ। ये अब ग्रेवी मैं सारी डाल दूँगी, क्योंकि हमने एक लेयर ऊपर चावलों की दे देनी है। ये देखें, के ऊपर हम आलू थोड़े से अब ऐड करूँगी, थोड़े से मैं ऊपर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ब्राउन प्याज भी आप डाल सकते हैं, कुछ लोगों को पसंद होता है स्पेशल ऊपर अलग से डालने के लिए। भी डाल गया हमारा, और हम थोड़ी सी ही डालेंगे हरी मिर्ची। सुबह बाकी हम डालेंगे ऊपर, ये डालती हूँ मैं सब्ज़ धनिया एंड पुदीना। आप चाहें, अब मुझे तो पसंद नहीं है इतना ज़्यादा आलू बुखारा हर चीज़ में, अगर चाहें तो आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल की है, इसमें हम आलू बुखारा नहीं ऐड करेंगे। आपको पसंद हो तो आप डाल लें जो मर्ज़ी, खाना तो खुद ही है, जो मर्ज़ी आप डाल लें। ये हमारी फाइनल लेयर है माशाल्लाह से। ये देखें, चावल आपका अच्छा होना चाहिए, सुपर हो जाए, कायनात हो जाए, वो अच्छे होते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बाकी की अपनी हरी मिर्चें, पुदीना। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जैसा कि आपको पता है कोरोना है और उसकी वजह से होटल्स फिर बंद हो गए हैं, तो आपके घर दाखने वगैरह हो तो आप ये रेसिपी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की ट्राई किया करें, तो फिर आप एक दफ़ा तो ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना। ये कुक विद आयशा जो है वो बार बार क्यों कहती है। आलू डाल दिए हमने ऊपर, अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर। ये मैं वैसे ही डाल रही हूँ सूखा ही इसका, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो वो खुद ही नीचे डेवलप हो जाएगा। जहाँ मैंने कलर डाला है वहाँ वहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ, एक तो हमारे चावल ऊपर से शाइनी होंगे। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो इसके ऊपर आप ब्राउन प्याज डाल लें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो अब हम इसको दम लगाएंगे। पहले मैंने इसकी नीचे तवा जो है इसको मैंने 10 मिनट प्री हीट कर लिया था, अब मैं इसकी आग आहिस्ता कर रही हूँ और इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और टेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी हो चुकी है। अब आप कह रहे होंगे धुआं तो निकल, ये देखें, मैंने इसलिए मिक्स नहीं की थी, मैंने कहा था मैं अपने सारे देखने वालों के सामने मिक्स करूँगी और डिश आउट भी आपके सामने करके दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से देखें रिज़ल्ट कैसा निकला है हमारा। ये देखो, ये हमने मिक्स कर लिया, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और बच्चों को कहूंगी कि टेस्ट करके बताएं कैसा बना।
अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सा रायता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।